जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का मेरा वीडियो कल्कि भक्तों के लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा। अब कल्कि अवतार साक्षात रूप में दर्शन देंगे अपने भक्तों को। कल्कि से मिलने की इच्छा हर इंसान के मन में कलयुग में है। वो कैसे दिखलाई पड़ते हैं, किस प्रकार की उनकी शारीरिक बनावट है, किस तरह की बोलचाल की भाषा है, आखिर वो रहते कहाँ हैं, किस तरह का उनका परिवार है, सब कुछ जानने की जिज्ञासा आज कलयुग में सभी मनुष्यों के मन में है, लेकिन कल्कि भक्तों में सबसे ज़्यादा। लेकिन ठीक कितने समय बाद कल्कि भगवान अपने भक्तों की इस इच्छा को पूर्ण करेंगे, अब ये जानिए। विष्णु भगवान के आखिरी अवतार श्रीहरि के आखिरी अवतार यानी कल्कि अब कलयुग में जब अवतरित हो गए हैं, अब इनविजिबल वे में सूक्ष्म रूप में जहाँ पर वो अपना कार्य युग परिवर्तन का कर रहे हैं। आज भी समाज का एक वर्ग ऐसा है जो ये मानने को तैयार नहीं कि विष्णु भगवान कल्कि के रूप में धरा पर अवतरित हुए हैं। लेकिन कल्कि की डिवाइन जर्नी जब 5D से 3D की ओर आती है तो बहुत ही स्पेशल होती है, क्योंकि उनके हाथों में उन विशेष कार्यों को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिन्हें उनके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। अब वो समय आ गया है जब भक्तगण मिल पाएंगे अपने प्रभु से यानी कल्कि देव से। अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया और अब देखिए भक्तों का तांता रोक नहीं पा रहा है कोई। जिस प्रकार तिरुपति के मंदिर में हर दिन लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और उन्हें मैनेज करने के लिए तिरुपति मंदिर की टीम को रगना पड़ता है कि किस प्रकार बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाले लोगों को सही तरीके से दर्शन मिले, कोई भगदड़ नहीं मिचे। इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए, इसी तरह की सुरक्षा जैसे तिरुपति में है और आज तक कोई अनहोनी नहीं हुई, अयोध्या में चूंकि भक्तों का तांता बढ़ने लगा इसलिए तिरुपति की टीम को बुलाया गया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार लाइन वाइज भक्तों को दर्शन आराम से मिल सकता है। और अब देखिए कोई भगदड़ नहीं, कोई उठापटक नहीं, बड़े आराम से भक्त जा रहे हैं लाखों की तादाद में। हर दिन यात्री भक्तगण वहाँ पहुँच रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। अब बात कल्कि की। कल्कि अवतार दर्शन देंगे अपने भक्तों को, ठीक एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया है। लोग तो अपने अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं समय, लेकिन एक्चुअल में जो कल्कि पुराण है उनमें बतलाया गया है कल्कि के बारे में, एवं अग्नि पुराण वो पुराण जिनके 16वें स्कंध में बतलाया गया है 16वें अध्याय में कल्कि को तीर कमान लेकर एक घोड़े पर सवार ऐसा चित्रण किया गया है जो बुराइयों को और अधर्म को खत्म करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, एग्जैक्ट टाइम कितना होगा जब कल्कि के दर्शन भक्तों को मिलेंगे, साक्षात कल्कि से मिल पाएंगे भक्तगण, और फिर उनके भक्तों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अपने समक्ष जब वो पाएंगे कल्कि को, निसंदेह उनके मन में भक्ति की वो पवित्र धारा बह जाएगी जैसा कि आज अयोध्या में बह रही है। दरअसल 5 साल केवल इंतज़ार करना है, केवल 5 साल। अब तो इतना समय निकल गया कल्कि के इंतज़ार में, अब केवल 5 साल। 5 साल में और 5 एकड़ जमीन में बनकर तैयार होगा कल्कि धाम, वो पवित्र धाम जिसकी पूजा, भूमि पूजन, शिलान्यास आज किया गया नरेंद्र मोदी के हाथों के द्वारा। और उस कल्कि धाम यानी कल्कि मंदिर निर्माण
ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि 5 सालों में 5 एकड़ जमीन में बहुत ही शानदार कल्कि का मंदिर बनाकर वो तैयार करें। कल्कि की मूर्ति भी उसी पत्थर से बनेगी जिस पत्थर का उपयोग राम जी की मूर्ति बनाने में हुआ है, ताकि उस पर किसी भी प्रकार के कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, बिजली गिरती है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, जल प्रलय होता है, अग्नि का प्रवाह नहीं होगा उस पर, यानी किसी भी तरह का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूर्ण रूप से सुरक्षित। एक ऐसे पत्थर से जिस प्रकार राम जी की मूर्ति बनकर तैयार हुई, उसी प्रकार भगवान कल्कि की बहुत ही अनुपम दिव्य मूर्ति बनकर तैयार होगी। और फिर 5 साल के बाद उसी 5 एकड़ जमीन में जहाँ पर बनेगा कल्कि धाम, बहुत ही आलीशान, और वो उसकी निगरानी मंदिर के ट्रस्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जो कि वहाँ के आचार्य हैं, उन्हीं की निगरानी में ये सारा कार्य आगे बढ़ेगा। और अब कल्कि भक्तों को ना ज़रा भी डरने की ज़रूरत है, ना ही घबराने की, और ना ही अब ज़्यादा लंबा इंतज़ार करने की, क्योंकि साक्षात कल्कि जब अपने धाम में मौजूद होंगे, तब उनको देखते ही भक्तों को ऐसा लगेगा कि साक्षात कल्कि उनसे बातें कर रहे हैं। जिस प्रकार रामलला की मूर्ति के सामने जब भक्त जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, उन्हें लग रहा है, स्तब्ध हो जा रहे हैं कि कुछ अनोखी अनुभूति उन्हें हो रही है, उसी प्रकार की अनोखी अनुभूति अब कल्कि भक्तों को भी होगी। लेकिन करना पड़ेगा थोड़ा सा और इंतज़ार। तो जहाँ इतना इंतज़ार किया, तो 5 साल कौन सी बड़ी बात है, वो भी कर लेंगे। और कल्कि भक्तों को फिर से दर्शन मिलने लगेगा कल्कि अवतार के साथ। हो सकता है उसके बीच में सपनों के माध्यम से या किसी और माध्यम से कल्कि अवतार अपना संदेश अपने भक्तों तक पहुंचाते रहें। इसलिए रहिए तैयार, कब किस क्षण किस मोमेंट में कल्कि का कौन सा संदेश किस माध्यम से किसके ज़रिए आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको भी अपने आप को रखना पड़ेगा चौकन्ना। क्योंकि जब कल्कि जुड़ते हैं तो वो किसी भी रूप में आपके साथ जुड़ जाते हैं। अपने भक्तों को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे कल्कि। बस कलयुग में इसी एक चीज़ की कमी थी जो मुझे खटक रही थी, और आज वो कमी भी पूर्ण हो गई। क्योंकि जहाँ जगन्नाथ धाम, जहाँ अयोध्या में रामचंद्र जी साक्षात मौजूद, जहाँ काशी में महादेव साक्षात मौजूद, महाकालेश्वर में भगवान शंकर की जब भस्म आरती होती है शिवलिंग की, तब वहाँ पर भक्तों का तांता ऐसा लगता है मानो साक्षात महाकालेश्वर महादेव भक्तों के सामने प्रकट हो गए हों। अब वो भक्त जो कल्कि को सदियों से पुकार रहे हैं और आज मिलना चाहते हैं कल्कि से, वो दिन, वो स्थान, वो समय और वो मुहूर्त अब और दूर नहीं, केवल और केवल 5 सालों का इंतज़ार। आएगा वो दिव्य मुहूर्त जिस समय भक्त और भगवान एक दूसरे के समक्ष होंगे, लेकिन उनमें से किन भक्तों को दर्शन देंगे कल्कि अवतार, किन्हें अनुभूति होगी कल्कि भगवान साक्षात उनके सामने हैं मौजूद, ये तो भक्ति पर निर्भर करता है और कल्कि अवतार पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई।